इसके आगे आता है सीमेंट इंडस्ट्री, राइट। सीमेंट जो है वो इनएविटेबल है, कंपलसरी है रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में, राइट। अब चाइना का रैंक इसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्शन में, इंडिया का रैंक सेकेंड आता है, राइट। पूरे वर्ल्ड में सीमेंट का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 6% हम इंडिया में प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके रॉ मटेरियल्स है लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा, और भी है पानी, राइट। रॉ मटेरियल्स, राइट, और जो प्रोडक्शन हुआ है या जो प्रोडक्ट हुआ है उन दो सबका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए सीमेंट फैक्ट्रीज ऐसी जगह पे लगाई जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो इन अबंडेंस, ज़्यादा क्वांटिटी में, राइट। हम देख सकते हैं कि गुजरात में इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इट इज़ फेयरली गुड, उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने इसको डेवलप किया है गुजरात में, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री। हमने देखी है व्हीकल्स, राइट। पुराने ज़माने में एनिमल ड्राइवन व्हीकल्स आई थी या यूज़ की जाती थी, ऐसी गाड़ी जो एनिमल्स चलाते हो, जो कि काफ़ी स्लो थी, राइट। इन द मॉडर्न एज, आजकल के ज़माने में व्हीकल्स जो काफ़ी फास्ट है, राइट, हम लोगों ने इसको यूज़ करते देखा है। जो इंडस्ट्री ऐसी व्हीकल्स बनाती है उस इंडस्ट्री को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, राइट। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है रेलवे, राइट। अब रेलवे सर्विसेज इंडिया में रेलवे से ट्रैवल करना अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, अप्रिसिएशन करना यानी बढ़ावा देना, तारीफ के काबिल ये है, राइट। रेलवेज जो है अपने इक्विपमेंट्स खुद बनाता है बाय इटसेल्फ, राइट। जैसे रेलवे के इंजन, पैसेंजर कोच, राइट, जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, गुड्स कोच जिसमें सामान रखा जाता है, ये जो गुड्स है, राइट, इनको प्राइवेटली भी रेलवे मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया में 3 तरीके की रेलवे इंजन्स यूज़ होती है, सबसे पहली स्टीम, फिर डीजल और लास्ट आती है इलेक्ट्रिक, राइट। स्टीम इंजन आज यूज़ नहीं होती, सिर्फ हेरिटेज ट्रेन्स में यूज़ होती है। अब हेरिटेज ट्रेन कुछ कुछ पुरानी जगहें हैं, जैसे महाराष्ट्र में माथेरान, राइट, पुराने ज़माने की ट्रेन वहाँ पे है, वहाँ बैठो और पूरा माथेरान घूम के आओ, राइट। इसको बोलते हैं हेरिटेज ट्रेन, जो कि इंडिया का हेरिटेज बताती है। अब ये जो स्टीम इंजन है वो सिर्फ हेरिटेज ट्रेन्स में यूज़ किया जाता है, राइट, जो आज सिर्फ टूरिज्म में यूज़ की जाती है। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स, राइट, ये बनाई जाती है मिहिजम में, राइट, वेस्ट बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, राइट। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, राइट, टाटा लोटो लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर में, राइट। फिर पैसेंजर कोचेस आते हैं, यानी डब्बा जहाँ पे हम जाके बैठते हैं, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है पेरम्बूर में, तमिलनाडु में, ये बेंगलुरु कर्नाटका में, राइट, कपूरथल और कोलकाता दोनों वेस्ट बंगाल में है, राइट। ये बात हुई रेलवे की, राइट। इसके बाद आता है रोड इंडस्ट्री, राइट। अब इंडिपेंडेंस से पहले तो हम, राइट, कार इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन उसके पार्ट्स हम बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, और उसको इंडिया में लाके असेंबल किया जाता था, असेंबल दैट इज़ उसको जोड़ना।
अब फैक्ट्रीज है लगाई गई है, जो कि ट्रक्स, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेती है, राइट। जो रोड के व्हीकल्स है वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, प्राइवेट कंपनीज ही सिर्फ मोस्टली राइट रोड व्हीकल्स बनाती है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 5th आता है वर्ल्ड में, राइट। आज व्हीकल्स और उनके स्पेयर पार्ट्स राइट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है टू द फॉरेन कंट्रीज, राइट। ट्रैक्टर्स और साइकिल्स राइट ये प्रोड्यूस किए जाते हैं इन अ वेरी लार्ज स्केल, राइट। और हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं ओवरसीज दूसरे देशों को, राइट। इसके बाद आती है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये काफ़ी एंशियंट इंडस्ट्री है, काफ़ी पुरानी है, राइट। इन रीसेंट टाइम्स पिछले कुछ सालों में शिप बिल्डिंग राइट मॉडर्न स्टाइल से की जाती है। ऐसे कुछ सेंटर्स है जैसे विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मारगाव, राइट। ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर में है, राइट। इसमें कोची और विशाखापट्टनम में बड़ी बड़ी साइज की शिप बनाई जाती है। जो डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे शिप आके रुकती है और जहाँ पे गोडाउन लगाया जाता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। प्राइवेट डॉकयार्ड भी होते हैं और पब्लिक डॉकयार्ड भी होते हैं। प्राइवेट डॉकयार्ड लोकल नीड्स, लोकल ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, राइट। हमने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट किया है, राइट। एयरक्राफ्ट बनाने के यूनिट्स बेंगलुरु में है, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ, राइट। फिर भी एयरक्राफ्ट राइट जो के पैसेंजर ट्रैवल्स यानी वो प्राइवेट एयरलाइंस जो प्लेन को यूज़ करती है उसका प्रोडक्शन अभी भी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, वो हम राइट इंपोर्ट करते हैं। इसके आगे आती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, राइट। इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें सबसे पहले आता है राइट रेडियो सेट और टेलीफोन इंडस्ट्री। इसका प्रोडक्शन या सबसे पहली इंडस्ट्री ये दोनों स्टार्ट हुई थी 1905 में, राइट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1956 में जब भारत इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड राइट स्टार्ट हुआ तब इसका प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ, राइट। ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल जिसको बोलते हैं, 1956 में जो स्टार्ट हुआ था बेंगलुरु में, राइट। इसका मेन एम आकाशवाणी यानी जो रेडियो होता है उसके लिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना और वेदर डिपार्टमेंट के लिए भी प्रोडक्शन करना। आज काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ये बना लेता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबोरेशन करके, राइट। काफ़ी सारे राइट ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के बाद नॉर्मल लाइफ लोगों की काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है और इकोनॉमी भी हमारी चेंज हो गई है। बेंगलुरु को राइट इस इंडस्ट्री का हम कैपिटल बोल सकते हैं, वो कैपिटल बन चुका है, राइट। इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सिलिकॉन वैली राइट अमेरिका में है, जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या वेबसाइट्स, उनके ऑफिसेस, उनके हेडक्वार्टर वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। सॉफ्टवेयर पार्क लगाया गया है, साइंस पार्क लगाया गया है, टेक्नोलॉजिकल पार्क लगाए गए हैं इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, राइट।
राइट। इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीद हम लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन और इंक्रीज होगा, राइट।